हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता सूद एंड आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोबल ऑनलाइन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में स्वयं प्रभा एंड मूक से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो ये 10 क्वेश्चंस की हेल्प से आज ये तीनों इनिशिएटिव्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये तीनों इनिशिएटिव्स टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट के साथ साथ हायर एजुकेशन यूनिट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। सो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि NTA UGC NET का न्यू बैच 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। एंड इस बैच की स्पेशलिटी ये है कि हम सिर्फ 90 डेज में पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराएंगे। एंड इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड थियोरी लेक्चर्स की हेल्प से सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इस कंप्लीट कोर्स के बाद हम आपको गारंटी देते हैं कि आप लोग पेपर वन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो पेपर वन का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो एट जस्ट ₹1599। एंड ये 20% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोग 23 फरवरी से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो आप हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो एंड कंप्लीट कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चार ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रथम, स्वयं, फ्यूचर लर्न एंड स्वयं प्रभा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने हमारे थ्योरी क्लासेस अटेंड किए हैं रेगुलर तो आप लोग एक सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पूछा गया है कि जो MHRD है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसके अंडर, ठीक है, इसके द्वारा MOOC प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। सो इन दोनों चीजों से रिलेटेड इनमें से कौन सा पोर्टल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्वयं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वयं जो है एक इनिशिएटिव है जिससे स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं एंड जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग सिंपली MOOC भी बोलते हैं। सो MOOC क्या है, वो एक स्वयं के अंडर ही आता है इनिशिएटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, एंड ये भी पूछा जा सकता है कि MOOC एंड स्वयं जो है वो किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं। तो वो क्रिएट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो पेपर वन में आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो ऑप्शंस हैं हमेशा उन पे भी फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है कि उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाए। सेकंड क्वेश्चन आता है, द चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक्ड बाय। तो स्वयं प्रभा के चैनल किसके द्वारा जो है अपलिंक किए गए हैं, यानी कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला है बाइसैक, नेपटेल, NRSA एंड इनफ्लिबनेट। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि जहां पे भी हम लोग स्वयं प्रभा की बात करते हैं वहां पे इनफ्लिबनेट की बात की जाती है। तो स्टूडेंट डायरेक्टली नाम पढ़ेंगे एंड क्या करेंगे, इसको राइट आंसर मार्क कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि कौन से इनके सेंटर को मेंटेन करता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता कि स्वयं प्रभा के जो सेंटर्स है उनको कौन मेंटेन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपलिंक पूछा गया है तो उसके लिए आपका राइट आंसर होगा बाइसैक, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो स्वयं प्रभा एग्जैक्टली होता क्या है, ये एक DTH चैनल है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं, एजुकेशनल चैनल्स। ठीक है, सो इसमें जो अपलिंक है वो प्रोवाइड करवाया गया है बाइसैक गांधीनगर। ठीक है, बाइसेक जो है इनका ऑफिस गांधीनगर में है एंड इसमें जो कंटेंट है वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है, नेपटेल के द्वारा। ठीक है, नेपटेल के अलावा यहाँ पे IITs भी हैं, UGC भी है, CEC है, IGNOU, ठीक है, NCERT एंड NIOS। ठीक है, तो ये सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, ये इसको अपलिंक प्रोवाइड करवाता है एंड इन्फ्लिबनेट क्या करवाता है, ये इसके सेंटर्स को, सेंटर्स में जो पोर्टल होते हैं उनको मेंटेन करने के काम आता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज द सैटेलाइट सिस्टम इज यूज्ड इन स्वयं प्रभा। तो उसमें कौन सा सैटेलाइट सिस्टम यूज किया जाता है, क्विक बर्ड, GSAT-15, LandSat-TM, कार्टोसेट। ठीक है, तो चार ऑप्शंस हैं, फटाफट से आप लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हो, ये भी हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर टू, दैट इज जी सैट 15। ठीक है, तो स्वयं प्रभा क्या है, ये एक डीटीएच चैनल है। ठीक है, तो स्वयं प्रभा हमें डीटीएच चैनल में 34 डीटीएच चैनल्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हर एक लेवल पे जो है डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स है, हर एक लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स है। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स को हमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, टेलीकास्ट करवाते हैं, एंड ये जो फैसिलिटी होती है ये 24/7 वर्क करती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो 34 चैनल्स हैं ये 24/7 काम करते हैं। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, कुछ कुछ टाइम के शेड्यूल्स डिवाइड किए जाते हैं एंड वही क्लासेस रिपीट होती हैं। तो इससे क्या हेल्प होती है कि स्टूडेंट अगर मॉर्निंग के बैच को अटेंड नहीं कर सकते, मॉर्निंग के 4 आवर्स जो है अटेंड नहीं कर सकते क्लासेस को, तो वो आफ्टरनून में कर लेंगे, वो इवनिंग में कर लेंगे, वो नाइट में कर लेंगे। इस तरह से क्या होता है, वो चीज़ें रिपीट होती जाती हैं, डेली रिपीट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वयं पोर्टल इज फॉर, तो स्वयं जनरली किस चीज़ के लिए डेवलप किया गया है, प्रमोटिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि बहुत अच्छी लेवल की जो शिक्षा प्रोवाइड करवाना, इम्प्रूविंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि बिल्कुल फ्री एक अच्छे टाइप का। ठीक है, एक हाई क्वालिटी का हमें एजुकेशनल कंटेंट, यानी कि नोट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, ये टेलीकास्ट करवाने के लिए क्या स्वयं यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि स्वयं जो है इसका मेन रोल है कि एक हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें जो है एक्सेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कहीं से भी कभी भी हम लोग जो है नोट्स को, लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी हम लोग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट को भी फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोग बस ऑप्शंस को देख लोगे ना, अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स देखे हैं तो आप लोग 1 सेकेंड में इनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट फॉर ऑपरेशनलाइजिंग हाउ मैनी डीटीएच टीवी चैनल्स। तो यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन थोड़ा सा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी चीज़ पूछी गई है कि स्वयं प्रभा में कितने हमारे पास डीटीएच टीवी चैनल्स हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 34। तो इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MOOC इज अ मॉडल फॉर, तो MOOC को जनरली किस लिए यूज किया जाता है, डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट, डेवलपिंग कोर्स करिकुलम, यानी कि जो पाठ्यक्रम को डेवलप करने के लिए, डेवलपिंग सर्टिफिकेशन, जो भी हमारा कंप्लीट कोर्स हो जाता है क्या उसके सर्टिफिकेट देने के लिए इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है ट्रांजेक्टिंग अ कंटेंट, यानी कि किसी कोई भी जो कंटेंट होता है, ठीक है, जैसे कि कोई नोट्स है उनको ट्रांजैक्ट करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, टीचर से स्टूडेंट तक पहुंचाना, तो क्या इसलिए MOOC को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग में जितने भी कंटेंट होते हैं, जो भी नोट्स हैं, PDFs हैं, हर एक चीज की डिलीवरी करवाने के लिए MOOC जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन बोलता है, ऑनलाइन कोर्स एम्ड एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस विया वेब। ठीक है, सो जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं इसमें क्या होता है, हम लोग अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन कर सकते हैं एंड इंटरनेट की हेल्प से, वेब की हेल्प से हम लोग ओपनली डेटा को या कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग कुछ सीख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है ओपन लाइसेंसिंग ऑफ कंटेंट। ठीक है, यानी कि जो भी कंटेंट है, जैसे मेरे पास मेरे नोट्स हैं, ये PDFs हैं, इनकी ओपन लाइसेंसिंग क्या ये हमें देता है। ठीक है, ओपन लाइसेंसिंग ऑफ कंटेंट स्ट्रक्चर एंड लर्निंग गोल्स टू प्रमोट द रीयूज एंड रीमिक्सिंग ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट मूडल से रिलेटेड है एंड कौन सी स्टेटमेंट MOOC से रिलेटेड है। ठीक है, तो MOOC आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये बोलता है कि पहली एंड दूसरी स्टेटमेंट जो है वो मूडल की है एंड तीसरी MOOC से है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड आर अबाउट MOOC एंड सेकंड इज अबाउट मूडल। तो यहाँ पे बोला गया है कि पहली स्टेटमेंट MOOC से है एंड बाकी की 2 स्टेटमेंट्स मूडल से हैं एंड जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये रिलेटेड हैं MOOC से। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अगर मूडल एंड MOOC इन दोनों की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन भी पता होगी तो भी आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, ठीक है, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड जो है ये मूडल है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जो कि ओपन लाइसेंसिंग कंटेंट और स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें प्रोवाइड कराता है, सिर्फ यही होती है MOOC की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MOOCIT इज एन, ठीक है, सो MOOCIT जो है वो किसके लिए डेवलप किया गया है, कि क्या इसका मेन एम है। ये है एक ओपन सोर्स MOOC मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो MOOC इनिशिएटिव है उसी को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है ये। नेक्स्ट इज ऑनलाइन कोर्स ऑफ फैशन डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे कि इग्नू होता है, इसके थ्रू हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं, तो क्या ये MOOCIT जो है डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो MOOC में इसके नाम से पता चल रहा है MOOCIT, यानी कि MOOC से ही रिलेटेड होगा, तो इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है DTH टीवी चैनल अंडर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट विल बी ब्रॉडकास्ट एट लीस्ट, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि 24/7 जो है स्वयं प्रभा में चैनल पे जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि कितने आवर्स में रिपीट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, दैट इज 4 आवर्स, ठीक है। तो 4 आवर्स में बार बार ये लेक्चर्स रिपीट होते रहते हैं, यानी कि जैसे 1 बजे अगर कोई लेक्चर है तो 5 बजे फिर से वही लेक्चर रिपीट होगा, ठीक है, तो इस तरह से 4-4 घंटे के बाद वो रिपीट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वयं कब लॉन्च किया गया था, स्वयं प्रभा कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो इसे लॉन्च किया गया था 2017 में, ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कि आपने कितना स्कोर किया है। एंड इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पेपर 2 का भी कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एट जस्ट ₹5,000, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। सो अगर आप लोग सिर्फ नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको पे करना होगा ₹1,000। इसके साथ ही गुड न्यूज़ ये है कि अगर पेपर 2 का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो पेपर 1 का आप लोगों को स्टडी मटेरियल हम लोग बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पेपर 1 के 1599 आप लोगों को पे नहीं करने होंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।